भैयू का बहुत तेज एक्सीडेंट हो गया। बोला क्या, अब हम मेडिकल में है? नहीं अब वो विक्टोरिया में। बाबा तेज हुआ विक्टोरिया में। पुराना वाला इंट्रो तो कर नहीं पाऊंगा कि उसकी हिम्मत नहीं है, बट पिछला वाला ब्लॉग देखा ही होगा आपने। उसके बाद कुछ भी ऐसी हालत हो गई है क्योंकि उस फेस से लौटते हुए मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही मेजर एक्सीडेंट था। थैंक्स टू गॉड कि मैं बच गया हूँ, ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है। बट वहाँ से लौट उस समय फेस के बाद तो कुछ भी याद नहीं है, इनफैक्ट वो एक्सीडेंट भी याद नहीं है। तो अब ये है मेरी हालत, एंड लगी बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स बोल रहे थे बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट था, बट स्टिल ज़्यादा ब्रेन इंजरी हो रही है। ये कुछ टाँके लगे, यहाँ तीन है, इस साइड तीन है और यहाँ नीचे दो हैं। एंड कल इस हाथ की सर्जरी है, कल यानी 14 को थ्रूज लगेंगे एंड वायर्स लगेंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। एंड जो सामने वाले जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो भाई बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, एंड उसका तो ये शायद अंदर ही चला गया बिल्कुल, तो उसका वो ये एकदम अंदर ही चला गया। अब तक मैं आईसीयू में था एंड कल शाम को मुझे यहाँ जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। एंड आज मेरे लगा छुट्टी हो जाएगी, बट डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया कि मेरी कल होने वाली है सर्जरी। तो कल की सर्जरी में मैं परसों मे बी शायद परसों कर जा पाऊँगा। हाय गाइस, ऑपरेशन हो चुका है, सर्जरी बुक के आया है, कुछ हो जाएगा। सच कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वैसे आपकी गोरी गोरी बाहें देख के हमारे व्यूअर्स को अंधे तो हो ही गए होंगे। आज के बारे में ऐसा है कि सर्जरी हो गई, दर्द है बस हाथ में, भाई बहुत दर्द है। हाँ मैं एनेस्थेसिया दी, क्या बोलते हैं, एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया बोल रही, क्या है वो ब्रांड का नाम है, एनेस्थेसिया हिल्स ब्रांड वाले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या शायद आप गंजीपुरा, गंजीपुरा मैं ऑनलाइन वाला गंजीपुरा जाती हूँ मीशो। हाँ वही तो, वही है सस्ता गंजीपुरा। हाँ फिर अरे भाई क्या सर्जरी हुई है, ये गंजा को ऐसे लिटाया है इधर, एक उसने इंजेक्शन लगाया। हाँ कुछ पता ही नहीं चला होगा, रुकना, ये हाथ मेरा उसने एक डॉक्टर ने ऐसा पकड़ा हुआ था, हाथ ऐसा 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 15 बार हुआ कम से कम। अबे भाई सुनना सुनना, ये लगा रहे इंजेक्शन, ये हाथ को सीधा करके इधर एक इंजेक्शन फंसाया और सेम ऐसे करा, फिर 15 बार ऐसे ऐसे, फिर साल में दो इंजेक्शन निकाला, फिर हाथ को मेरे ऐसे रखा, बोलता 5 मिनट छोड़ दो। एक डॉक्टर बोलता वैसे ही बोलता चलो चालू कर देते, एक बोलता अरे रुक जा भाई इसको सुन तो ना, फिर उसने 5 मिनट छोड़ा, फिर हाथ को समझ नहीं आ रहा, फिर उन्होंने लिक्विड निकाले रेड कलर का पूरे हाथ में मारे, फिर मेरा ये पूरा काट दिए थे भाई, ये जो पहले वाला प्लास्टर था तो अंदर देख रहा था कि हाथ मतलब कितना बड़ा कट था, पूरा ऐसे डायगोनल बहुत लंबा कट था, तो कट देगा फिर मैं ऐसे कर दिए इधर साला मेरा बुरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, उन लोग के हाथ मतलब ऐसे ग्लव्स में खून लगा, उसमें चक्कर खून ऐसे दिखेगा किसी को तो तू किसको बता रहे थे, को पता है ना यार। लग नहीं रहा है देख के कि आज इसकी सर्जरी हुई है। सुबह कितने बजे हुई? सुबह 7 बजे लेके चले गए थे। अच्छा 9 बजे वापस आ गया, मेरा प्लान था कि मैं 11 बजे आऊँ। अबे तो फिर मैं आया हूँ, मेरे को 4-5 तो समझ नहीं है मेरा हाथ है कहाँ, तेरे 5 बजे थोड़ा समझ में आया तो घर चाहिए। क्यों वहाँ पे क्या रखा है अमित? ये अंकल बीमार है, ओ भाई किसने लिख के गई हो? अच्छा तुम्हारी दीदी। अच्छा उम्मीद वो क्या रखे किनारे पे? दिखा वो क्या रखा है, इसने दिया किसी, बीप कर देना खास।
तेरा खुद का फोन है तेरे को नहीं पता मैं आराम से सोऊंगा घर पे लोग रात में बहुत नाटक करते हैं सुबह 6 बजे आके सुबह चेक करने टोस देती थी कैसे खुलती थी एक इसको पसंद थी आईसीयू में वो इसको सुबह सुबह आके खून पीती थी ऐसा नाम क्या ये बीप नहीं करना ऐसे दो लोगों के नाम है जिसको अपने पर लेना है सभी को पता है एक ही रहती है एक मिलना है लिब्बा में ढोर हमें लिब्बा का ट्रांसफर गाड़ी तो है नहीं मेरे पास उसका चालान भर प्रिय इसको कुछ बता चालान वाली है उसका फोन बोलना रुको वीडियो कॉल करने बोल कैसा गाड़ी है नहीं मेरे पास चालान कहां से दूंगा मैं आपका 2 जनवरी का हेलमेट का सो गाइस अभी हम हॉस्पिटल से हो चुके हैं डिस्चार्ज घर की ओर जा रहे हैं एंड काफी अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद बाहर निकले हैं रास्तों को देख रहे हैं तो अभी मैं घर निकल रहा हूँ सबसे पहले जा रहा हूँ नानी के यहाँ वहीं रहूँगा कुछ दिन तो निकल रहे हैं हमारे साथ अभी आदित्य है जो हमें गया ड्रॉप कर रहे हैं थैंक यू ब्रो तो बस वही है कि नानी के जा रहा हूँ एंड अब काफी दिनों बाद निकला हूँ बाहर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है बस यही सब है एंड चलते अपन घर हाँ तब उसका मैयर भी ले गए थे तो एक बार गाय से इसका एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को क्या लगा भर्ती लगती हॉस्पिटल में तो घर पे सबको मेरे बोल दिया भैयू का एक्सीडेंट पहली बार किसी दूर का एक्सीडेंट मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट अब हम लोग गए तो भाई अपनी दोनों पैरों में खड़ा क्या मैं इंसान 3 में नहीं दो में इस वाले में इस वाले में भाई आदित का फोन आया मेरे को मैं बैडमिंटन खेल रहा था तो फोन आया मेरे को लगा इसका फोन आया चलो बॉडी नाट चलेंगे मैंने शॉर्ट सुन तो मैं बहाना सोचने लगा बाबा क्या बहाना मारू तो मैं उसको बोल दूंगा अभी चाचा है नहीं अब भैया का बहुत तेज एक्सीडेंट हो गया क्या अब मेडिकल में नहीं अब विक्टोरिया में बाबा तेज हुआ विक्टोरिया सुन तो मैं घर के कमरे के अंदर घुसा हूँ मैंने जीन्स पहना हूँ मम्मी से बोला अब तक अरे वो मेडिकल में निकल नहीं है कितने हरामी हो गए कुछ नहीं सर मेरे को ऐसे रोने हैं मैंने यही सोचा था कि कौन सा गाना डालूंगा क्या डालूंगा कौन सी फोटो डालूंगा मैंने सोचा अभी जो गौरी घाट में उसके एक दिन पहले अपन गौरी घाट में भाई वो सेल्फी डाल देंगे अबे मेरा सुन मेरे पास तो लड़की का फोन आया भैया लड़की का आया जिन्होंने बचाए थे लड़के हाँ भैया आप कौन बोल रहे तूने फोन लगाया आदित्य राज के फोन से बोले ना हाँ भैया बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया इसका ऐसा वैसा बहुत बोला उसने मतलब जा भी प्रैंक कर रहा हूँ अरे नहीं भैया मजाक नहीं कर रहा हूँ मतलब भैया सही बताओ बोलता हाँ इस लड़के की याद मैंने बोले ये लड़के की आदत है ब्लॉगर है वो छोटा मोटा करते ये सब चीजें तो बोलता भैया मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं अपने फोन से आपको कॉल ला के बता देता हूँ वीडियो बना के भेज देता हूँ मजाक नहीं कर भाई वो लड़का हो गया होगा इसके सारे दोस्त सारे दोस्त सही में शक कर रहे हैं फिर उसको साहिल को भी तो लगाया था ना हाँ ना तो साहिल फोन लगा के क्या बोल तो उसको पहले फोन लगा तो गाली दे दिया वो मजाक कर रहा है तो फिर उसने लगा फिर आया रहे नहीं भाई सही में हो गया हम लोग विक्टोरिया में मेरे को मेडिकल बोला था हाँ फिर तेरे को बाद में आएगा लेट फोन आया था ना फिर साहिल ने मेरे को फोन लगाया विक्टोरिया में फिर साहिल को मेरे फोन के बीच उसका फोन आ गया था तो मैंने काट दिया मैंने बोला ये साहिल बोलता फोन लगा अबे बाबा वो मेडिकल नहीं विक्टोरिया बोलता कि फिर साहिल पहुंचा था घंटा घर तक तब फोन आया तब बोला कि मेडिकल जा रहा था फिर साहिल मेडिकल है क्या साहिल ऐसी बताया मेरे को नहीं भाई अभी मेरे साहिल वहाँ हर्ष के घर तक ही जब पहुंचा था ना उसके पहले ही पता चल गया था भैया आवाज हो भैया मैं वृंदावन मैं टैक्सी में मैं गोवर्धन पर्वत जाने वाला हूँ भैया प्लेन लेके अरे गोवर्धन पर से भाई उन लोगों ने लगाया था तरुणी को फोन तरुणी मम्मी को फोन लगाई थी इसको लगाई फोन की कहाँ पे है ये उसमें मजाक मस्ती कर रहा क्या बोला तूने कि क्या बोला तूने आंटी को फोन नहीं मैं क्यों लगाऊंगा ये वहाँ पे ये भाई साहब वहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे हैं कि मैं क्यों लगाऊं तो क्या कर मेरे को तो मजाक ही लग रहा था ना भाई बहुत देर तक
और इतना सीरियस मोमेंट हो भाई तुम लोग मरवा दो। मैं कौन सा पहले नहीं लगाऊंगा। मेडिकल के पास तालाब नहीं पड़ता। हां वही समाधि मैंने वहीं पे सोच लिया था। कौन सा गाना गाऊंगा मेरे मन में आ गए चिट्ठी ना कोई बस मैं बोला रहा कि लेकिन अच्छे अच्छे फोटो पूरा कोलाज आज पता कि हट ये देखो ऐसे दोस्त है। मैं फिर ये सोच लेना बाबा उसको गोप्रो का क्या। हाँ भाई गोप्रो गोप्रो भाई जब मैं अगले दिन मेरे को थोड़ा होश आया ना मैंने सबसे पहले ये पूछा मेरे पैसे जेब में थे ज्यादा गोप्रो कितने थे दो ढाई हजार कुछ थे भाई इतने का तो चालान देखा है। अरे ठीक है ना मैं नॉर्मल क्योंकि मैं ऑनलाइन करता था बट कैश उस दिन ज्यादा था तो मैंने देखा सबसे पहले मैंने सबसे पूछा मेरा गोप्रो ठीक है कि नहीं और फोन ठीक है कि नहीं। मैं एकदम नींद में था भाई मैंने गोप्रो पूछा पापा बोले मम्मी बोलती गोप्रो ठीक है फोन का बोलते टूट गया क्योंकि मेरे को फोन चला नहीं देता तो उन लोग मेरे से बोलते झूठ के टूट गया बट सब ठीक था एंड गोप्रो भी ठीक था पैसे वगैरह सब सही थे अंगूठी वगैरह भी गोल्ड की थी वो भी सब सही थी एंड सब कुछ मिल गया था ज्यादा हुए फिर आना कल आना तुम लोग आओगे ना कल हम लोग वादे करके तोड़ते नहीं इसलिए वादे नहीं करते ठीक है बता देना।